అనాదనిధనవది శంఖ చక్ర గదాధర ముచ్చయ పుండ్రియకాక్ష పవిత్రము ప్రియతమోక్ష పదోద్భవ దేవతావయ పిత్రి వయో మహాయోగియే చ సహాయ సదాయ నిత్యనియో నమో నమస్తే అత శ్రీ పుష్పకాశం పీతవాసం యుచతే ఏ నమ శాంతి గోవిందం నతే సాంగ్విద్మహి భయంకృష్ణ కృష్ణ కృపాలు త్వంగతినాం గతి గల్పం సంసారి ఆవాగమనం ప్రసిద్ధ పురుషోత్తమం యే శ్రాద్ధ పద్ధతి కా ఔర్ క్రియా కే శ్రాద్ధ క్రియా కే బారే మే హమ్ ఆప్సే బతాతే హై కి క్యో హమ్ శ్రాద్ధ కర్తే హై ఔర్ క్యో కర్నా చాహియే ఔర్ కిస్ కో కర్నా చాహియే ఔర్ కైసే కర్నా చాహియే చలో హమ్ శురువాత్ కర్తే హై మేరా నామ్ హై గిసై దుబే శివరామ్ ఘనశ్యామ్ మై స్వర్గీయ పండిత్ లాలతా ప్రసాద్ గిసై దుబే కే సుపుత్ర హూం ఔర్ జా కర్కే శ్రాద్ధ పద్ధతి సే నికాల్ కర్కే హమ్ బతాతే హై ఉస్మే అన్య అన్య और शास्त्र विधि से बताई हुई सभी रास्ताएं हैं वो सब हम आप सबको बताते चलेंगे। देव कार्य में तो सब कोई जानते हैं कि देवता के कार्य में देवता के पूजा और कथा झंडी दुर्गा पाठ सभी तरह से पूजन को हम करते हैं, लेकिन पितृ कार्य में अन्य तृप्त करने के लिए श्राद्ध करने के लिए अन्य भावना है। श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारक बोले कोई भी कर्म न, श्राद्ध करना चाहिए अन्य पूर्वक प्रत्येक पूर्वक श्राद्ध करने से महापुण्य को प्राप्त होता है। श्राद्ध कहाँ से शुरुआत हुई, श्रद्धा पूर्वक बैठ करके और भगवान के और प्रार्थना करें कि ब्रह्म पुराण में बताई से श्राद्ध केवल अपनी तथा पितरों के संपत्ति संतृप्ति के लिए बड़े किया जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक अलखेल बोले विधि पूर्वक अनेक धन्य रूपी से और श्रद्धा रूपी अनुरूप से बोले जाकर के श्राद्ध को करना चाहिए। श्राद्ध शांत चित्त से करना चाहिए। श्राद्ध क्रिया में बोले मौन काम जो है तो बोले वही करना चाहिए, बोले मौन से, मौन बोले चुप, स्थिरता अस्थिरता से बोले ये श्राद्ध क्रिया होना चाहिए। श्राद्ध समझ जाओ जब से कोई गुजर जाए या उन्हें ईमान दो था, जब कोई मर जाए तो वहां से श्राद्ध क्रिया शुरू हो। श्राद्ध क्रिया में सबसे पहले पिंडदान हो ना? पहले आओ ये सूतका के बारे में, सूतका के बारे में सब हम बोले सूतका इज द रॉ पीरियड ऑफ बखेंद और एंड, तो वह सूतक का दिवस जो है तो सूतका में आओ जा करके दो रकम के सूतक है, एक मृतक सूतक एक कुल सूतक। मृतक सूतक कब हो है कि जब शायद कोई मर गया, कोई गुजर गया और फिर वहां पर लेक लहास धरा हुआ है, लहास अभी वहां से हटाई लो ना तब सूतका शुरू ना हो। जो मोमेंट पे तू वहां से लेक हटाई ले फन 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 प्लाट्स फनांदर कर ले वहां से हटाई लो, बस वहीं से सूतक शुरू हो जाओ। तो वहां से जब सूतक शुरू हो ओके बोले है मृतक सूतक। मृतक सूतक चली एकदम जब तक दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार या कोई श्राद्ध क्रिया संस्कार ना हो, जो वहां पर अब धलो समझ जाओ दाह संस्कार होगा। दाह संस्कार के बिहान भैला हम लोग जाते हैं ओके मट्टी के सिरवावे। अब मट्टी के सिरवावे कहाँ बोले जाए, मट्टी के नाले एक पनिया बिगियो तो बोले हम गई मट्टी सिरवा दी ना, जब मट्टी वहां पर जल करके एकदम राख हो गए यहाँ सूरीनाम देश में, अन्य देश में, दूसरा देश में जहां पर लोग ले जाकर के ओवन में वो करते हैं, जब उसका ले के राखी के ठंडक हो जाए तो वहां समझ जाओ उसका सिरवाना आवश्यकता। वह विदेश में जैसा देश वैसा भेज, जैसे क्रिया वहां होते हैं वैसा ही उनके पकड़ना चाहिए। लेकिन शास्त्र के मुताबिक फॉक्स द बुक ऑफ द स्क्रिप्ट ओकरे बारे में हम बतावत हैं। जब वहां पर श्राद्ध दाह संस्कार हो गए तो बिहान भैला अब हम लोग जा मट्टी सरो, पानी लिख गई हो, दूध लिख गई हो, तिल लिख गई हो, फूल लिख गई हो, तो मट्टी में पानी में लगा करके एकदम ठंड हुई हो, जहां वहां ठंडक भर, जब वहां से हड्डी बीन बीन करके घड़ा में भरे लग लो घड़ा में, तो वहां पर अब से मट्टी सेरा गए है। और जो हम ले जाएंगे नदी में, जो ले गंगा में गिरावत है बीगत है तो बोले परवाह करते हैं ना, हम सेरवा दे रही वहां पर मट्टी, अब जले परवाह कर। तो वहां पर अब ये सूतक के बारे में हुआ से अब कुल सूतक शुरू है, एंड कुल सूतक लगे समस्त परिवार सूतक जो उसके कुल में ओकरे कुल में, जैसे एक आदमी के एक मर्दाना गुजर गए, चले घर के मुखिया गुजर गए, तो ओकर बेटा बेटी नाती पोता जितना है सब सूतक में चला जाइए। और सूतक लगी लगभग 10-11 रोज सूतक रही, जब तक 12 रोज के बरकी के क्रिया सोल संस्कार ना होगा। श्राद्ध करने से बहुत कल्याण हो, बहुत अच्छा है। बोले जो प्राणी बोले विधि पूर्वक शांत मन से, शांत मन बोले एकदम मैथुरुष्ट चुप ना, उसे श्राद्ध में भाग लेता है बोले सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
अब मुक्त होने से बोले उसके जाकर के मुक्ति भी प्राप्त हो जाता है। यह हम ना बोलते हैं श्राद्ध में, श्राद्ध क्रिया में और गरुड़ पुराण में ये बात बताए हैं, यज्ञ स्मृति में भी बात बताए हैं, और बोले उस प्राणी को बोले जाकर के मुक्ति प्राप्त होता है, संसार के चक्र में बोले फिर वापस न आवत है। इसी से श्राद्ध क्रिया करना चाहिए, और श्राद्ध में भाग लेने वाला क्रिया करता जो है दखीन दी तो वैरक का दुन जो काम करेगा वहां पर, तो समझ जाओ ओके चाहे मुड़ मुड़वा करके सारा कुल के बताए से हे लग कुल परिवार जितना है तो वहां पर मुड़ मुड़वा करके और जाकर के तब श्राद्ध में भाग लेना चाहिए। काल शेर मुड़ मुड़वाना बदेगन काल शेर ओके काल शेर करके यह चुरकी जो है जिसे बोले चुरकी, यह हमारे लक्षण है, यह हमारा भावना है, बोले यह चुरकी को छोड़ देना और श्राद्ध क्रिया में भाग लेना चाहिए। बोले श्रद्धा से बोले कल्याण कारक के लिए और पुष्टि के लिए बोले ताकत के लिए श्रद्धा में श्रेष्ठ कल्याण प्रद बोले और दूसरा उपाय ना है मुक्ति स्वर्ग मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो श्राद्ध क्रिया में भाग लेना चाहिए। और श्राद्ध क्रिया में जब ना करियो के श्राद्ध क्रिया कोई बोले हम ना करब हमारे में ना हमारे बाप बोलिस ना करियो हमारे खातिर हमारे परिवार बोलिस हमारे श्राद्ध रात कुछ ना करियो नहीं दत्ता वह खान नहीं दुएंगे अच्छा तीखस ला कर लातर करे ना सेल्फ मियाँ जो बोला था कल लेती ना श्राद्ध न करने से बहुत हानि प्राप्त होता है। जो जाकर के रोग टोक रुकावट आएगा कि खान पार क्लाइन फोर बेदनों में तो रे तो के बीमारी पकड़े सके शुरू होगा, देह के पीड़ा आई, घर में खटपुट हुई, घर में जाए के धन दौलत के वृद्धि ना हुई, घर में बाल बच्चन ना पैदा हुई, कोई घर में लड़कुए ना पैदा हुई, तब जइयो खोजे पंडित जी हम इतना मेहनत करीला सब जगह सब दतरा लगे गई देखोली और हमारे कुछ ना मंगे सोझा करे खातनी जो श्राद्ध न करने से बहुत हानि हो। श्राद्ध तत्व जो है श्राद्ध तत्व जो है तो बोले उसे जा करके करना चाहिए। और श्राद्ध कहाँ से शुरुआत हो जहिया से जब मट्टी आ गए घर पर वहां से पिंडदान है पिंड इस क्रोकैत देंगे चुवत वही माँ का क्रोकैत का चुजुआ जो बने ओके बोले पिंड तो पिंड बने तिल तिल से घी से सुकरू से मध से और जाए के राइस मिल ज्यादा देने की चावल बोले पीस करके बना देखिए राइस मिल उन्होंने धर दे राइस मिल से और घी से इसे मिला करके तो क्या पिंड बनाओ जाए तो पहला रोज जहिया पर मट्टी आएगी घर पर तो वहां पर पांच पिंड देव न तो पांचों पिंड देवा करके तो करे बाद में एक पिंड देवा है जो अस्थि संचय पिंड बोले अस्थि संचय बोले जो बिहान भैला मन जाबे मट्टिया के सेरवावे ओकरे के दिन पिंड हुआ तो ओके बोले सेरवाने वाला पिंड तो वो छह पिंड भर छह पिंड के बाद में तो अब अंकलक शास्त्र बोले है कि हर एक रोज हमें चाहिए एक पिंड देवे सवेरे अब तिलांजलि दे के रोज तिलांजलि दिए तिलांजलि बोले हैं तिल अन्न और जल ये तीन चीज बोले रोज सवेरे देना चाहिए। सवेरे घंटा टांग करके और घंटा में एक दिया धर कर क्योंकि बार दो संजक बार दो और फिर बैठ करके वहाँ पर कुछ भगवान के प्रार्थना कर लो फिर अपने पानी दे दो वहाँ पितरन के जो गुजर गए वगैरह नाम से दे दे और फिर जा करके वहाँ पर से पिंड दान करो रोज। लेकिन रोज के नियत हम लोग ना कर पावते इसलिए शास्त्र बतावे बोले जब रोज ना कर पाइयो तो बोले जाए के दसवें रोज पे बोले जाकर के पिंड दान कर सको दस पिंड तो वो दस पिंड जो है वो दसों पिंड के नाम रहे हैं और दसों पिंड जो है ले वहाँ पर तो दसों पिंड में जाकर के हमें देना चाहिए। वो दसों पिंड में से जाकर के दसवां पिंड जो है ले तो जाए के ओके बोले हैगा मांस पिंड मसांस पिंड मसांस बोले उर्दी वाला पिंड और दसों पिंड को दे करके तब वहाँ पर दसगात्र की क्रिया हम जाए के विराम करते हैं। दसगात्र की क्रिया में वो जो पांचों पिंडों देवान हैगा तो बतावे पहला पिंड जो देवी हम वहाँ पर तो जाए के मृतक स्थान जहाँ पर दमिया गुजरल ओकरे नाम से वहाँ पर पिंड देवाई सौ निमित मट्टिया सौ बोले मट्टी के सौ के निमित मृतक स्थान पर जहाँ पर वो दमिया के रहत रहा या जहाँ पर वो दमिया के घर द्वार रहा या जहाँ से मट्टिया उठी सौ निमित ऐसे बोले वहाँ देवा फिर जाए के द्वार दिशे बोले पांथ निमित हम लोग रास्ता पे चल जाएगा तो ओकरे नाम से वहाँ पर पिंड देवा विष्णु देवता भगवान के नाम से वहाँ पर पिंड देवा जा फिर जा करके चतवारे खेचरी ये निमित बोले जो चल मोहनिया पर हम पहुँचा कोई जहाँ पर भाई द क्रॉसिंग फन जहाँ पर अब आई गए शमशान और जहाँ पर अब हम पहुँचा कोई रास्ता एन यहाँ पर मटिया चरिया तो वहाँ के लिए एक पिंड देवा पिंड जा करके रुद्र देवता भगवान से वहाँ रुद्र देवता भगवान विष्णु से हम प्रार्थना कर जाए कि विश्रांतो भूत नाम ना बोले वहाँ पर जो
प्रेत के निजत वहाँ हैले भगवान शिव जो है ना तो भूत प्रेत के बाधा वाला सबसे भगवान वही हैले तो उसी से हम प्रार्थना करते कि इसे जाकर के एक अच्छा गति प्राप्त कराए। फिर लास्ट पिंड जो आएगा जो सौ सौ हंसते साधक निमित्त तो प्रेत देवता के नाम से दवाएगा। प्रेत देवता जो है ले जो जब हम उनके आत्मा जो है जो चला जाए कहीं ऊपर में भगवान के पास तो वहाँ पर अब देवी देवता हम कुछ ना कर पाते, वहाँ जितना देवी देवता है ना जितना प्रेत देवता है ना तो वहाँ पर जाकर के भगवान से प्रार्थना कर सके कि वहाँ पर अब तो हमारे यह आत्मा को जाकर के अच्छा गति प्राप्त करेंगे। आगे में बतावे हैं फिर अब वो दस रोजवा जो पिंडवा दवाएगा दस गात्र के पिंडवा जो है तो वहाँ पर दवाएगा सिर पूर्वक नामना पिंड पहला मृतक दिवस जो है मरल दमिया उस दिन के लिए एक पिंड दवाए। दूसरा करण छिनासिका करण छिनासिका ये नाम से पिंड दवाए वार वो दवा है कारण कि हम लोग के शास्त्र बतावे ये वैद्य तीन दास दसवा रोज पे उजन दमिया मरल होकर आत्मा इफ इन ऑफ अंदर वेसन धारण कर चुका है एगो जीव धारण कर चुका या जौन जोनी में गए लेकिन जीव धारण तो के शक्ति देवे ताकत देवे कथिन ये पिंडदान हो रहा। फिर तीसरा पिंड देवा गलांज शंभु वृक्ष बोले गलांज शंभु वृक्ष बोले जो उनसे गला में ही बोले देखे पोखरा बोले कि जाए वहाँ पर से और वह पिंड को हम देते हैं नाभि लिंग बुद्ध पूर्वक खसलास देव के लिए और नाभि के लिए बोले वहाँ पर पिंड देवा जानहु जंघा पाद अपने लेखांश देल फूत देल बोफ बेन इस सब के लिए देवा सर्व मर्मक पूर्वक और आल आदर्श एंड असलाह आदर्श सर्व नारी पूर्वक जितना वहाँ पर फेफड़ा चले उनके देह में जितना खून वगैरह चले बोल उसके नाम से हम पिंड देव दंत लोभ नादि पूर्वक दांत जीभ खहील कैसे हमने नहीं कैसे खहीमल तब तो खहीमल तक खतिन भी जाकर के उन्होंने पिंडदान दे बोला वीर्य पूर्वक है मनलक एंड फ्रौलक जो रहे वो असलाह स्तुकीय बोले ओकरे वीर्य पूर्वक नाम पिंड पिंड जा करके मसांस श्रुति पसांस पूर्वक तो बोले वह पिंड जो है तो बोले मांस पिंड है ओके बोले उर्दी वाला पिंड और वो उर्दी वाला पिंड दे करके हम ताकत प्राप्त होता है फिर वहाँ से जा करके दस गात्र करके घंटा फोड़ करके भोजन वहाँ करना चाहिए भोजन उतना दिन तक सूतक रहेगा ना अब सूतक ना दोनों भले बताए लम कि वह दस रोज तक जब सुतरेगी यहाँ तक बताए नहीं एकदम मौन चुप चाहे तू जितना पढ़ल हुई हो चाहे जितना विद्वान हुई हो चाहे जितना तुम्हारे में ज्ञान भरी बातें हुई लेकिन वहाँ पर तू ऐसा बात हो कि तू कुछ न जानो यही मख ऐखलक हेलमानी तो वो स्थान न तो क्या नमक है बतियाए तो क्या नमक डिस्कृषि करे तो क्या नमक है पूछे दत दत रो पेरी होगा तो बोले ये टुक्का में बोले जब तुम्हें तो मौन साधक रह लिए तो बोले वहाँ पर खाली आप एक काम कर सको अपने मन में बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर कि जो दमिया मर गएगा जो दमिया चल गए मेरे बीच से जाए कि वो भगवानों की एक अच्छा गति प्राप्त कराएं इतना वहाँ पर उन्होंने बैठ करके कर सको जा। और यहाँ पर लोग बोले बोले हमें न करना चाहिए श्राद्ध बोले अनेक श्राद्ध श्राद्ध न करने वालन को यहाँ बताए से बोले महान से महान दारुण दुख बोले जा करके प्राप्त होता है श्राद्ध जे ना करे तो ना यह तो हुई श्राद्ध न करने के मृत मृत प्राणी के कष्ट को बोले कथा बोले यह तुम बात बताइली जब श्राद्ध न करिए तो बोले बड़ा दुख मिले है देखे फिर पग पग पर कष्ट के सामना करना पड़ता है जो बात हम आपसे बतावत है नहीं ये ब्रह्म पुराण के बात है और ब्रह्म पुराण में ये बात बताई थी बोले जो श्राद्ध न करे तो बोले पग पग पर जाकर के और उसे कष्ट को सामना करना पड़ता है वह प्राणी बाध्य हो करके बाध्य बोले बंधी बन करके और श्राद्ध न करने से संबंधियों को बोले जा करके चूसने वाला बोले विषण समान हो जाए ना बोले ये सब काम बोले ना करना चाहिए बोले जो हमें करना है बोले उसको कर देना चाहिए। श्राद्ध जब हम दस रोज बीत गए थे तो दस पिंड यहाँ पर छः पिंड वहाँ बोले सस्ती पिंड फिर जा करके बारह रोज एंकल लिख ले ग्यारह रोज बारह रोज तेरह रोज पे काम कर सको एंड ढेर जगह बोले औरत के तेरह रोज पे मर्दाना के बारह या मर्दाना के बारह औरत के तेरह नहीं साथ एलफ त्वालफ एंड दया तीन दाख तो दसवें रोज ग्यारहवें रोज पे जा करके हम पिंडदान कर सकते हैं फिर ग्यारह बारहवें रोज पे हम पिंडदान लाते हुए इन ताख महीने में त्वालफ दाख त्वालफ दाख फिर जाएके सोरा पिंड दवाई सोरा पिंड दवाई के तो वहाँ पर अब गीता पाठ हुई वैदिक सोरा पिंड और तीन गो पिंड अपार दवाई वो तीनों पिंडों जो है तो पितृपिंड रहेगा तो पितृपिंड ले करके और दसों पिंडवा जो है सोरा को सस्तीन हीर इंद्रीदार सस्तीनवा में से द तीन द पिंड जो है तो प्रेत पिंड द प्रेत इज द पिंड फॉर जो ओफर लीदना जो मर गए ओकरे नाम से पिंड दवा तो उजाए के वहाँ पर ओकर पिंडवा के उनके त्रिभागीय पिंड बोले के तीन भाग कर ले तो तीन भाग करके जो तीनों पिंडवा यहाँ पितृ के दवा ने बोले ओके देई के ओके मिलाए के में तब जाए के वहाँ पर
वहाँ पर जाके सूतक दोन हो ओमदा प्रेत पिंड वाले या पितृ पिंड में मिलैली ओके एगो हिंदी दलास में को बनामिंग बोले हेत लातन सामन स्मेल्टन फ्रॉम द प्रेत पिंड नार द पितृ पिंड हेत लातन सामन स्मेल्टन फ्रॉम द प्रेत पिंड नार द पितृ पिंड तब वहाँ पर जाके सूतक दोन जा तो वहाँ पर अब तो अपने घरे ब्राह्मण जो है जो तुम्हारे घर में ब्राह्मण आयल हैगा और ओकर वहाँ पर जाएगा तो ओकर घोर धोइयो गोर पोछियो फिर ओके कुछ दक्षिणा दियो फिर ओके बैठाए के वहाँ पर और गीता पाठ सुनाई तो वहाँ पर दान दक्षिणा चढ़ाइयो वहाँ पर जितना दान दक्षिणा चढ़ावल जा ना पंडित के देवल जा उन नाम से वहाँ देवल जा जो दुनिया गुजर गया और वो बात ध्यान रहे कि जो दक्षिणा शायद आप व्यक्तिगत सभा में बैठ करके व्यक्तिगत कोई के दे लो हिफिन वार्द हिफिन सिन वहाँ पर तो क्या दक्षिणा जी देवे कितना मंत्र द्वारा संकल्प द्वारा जहाँ पर गीता भैले गीता पे छुआई के माथे लगाए के वहाँ धरियो तब वो आत्मा के प्राप्त हुई ना कि यहाँ बैठल बाटी हम कोई को उठा के दे देखो 10 रुपया 100 रुपया 50 रुपया देख भैया तो क्या हम दे रहा दान दक्षिणा और हम हंसना जाओ वहाँ बैठे हो हमसे पंडित से झगड़ा ना बैठो तो वो चीज ना करियो जब तो के ना है वैसे नौका तो लीफर कुछ ना कर जब भोजन हो लगे ले इधर दे दत्त काम ओक चाह वो दक्षिणा हुआ दे देना चाहिए श्राद्ध में भेद ना श्राद्ध के अधिकारी जो है ने तो सबसे पहले अधिकारी बोले मुख्य रूप में पुत्र के हुए बेटवा सबसे अलग स्तर बेटवा बेटवा ना रहे तो जा करके और वहाँ के संस्कार करने के लिए बोले पौत्र बेटवा के बेटवा पर पौत्र बेटवा के बेटवा के बेटवा बहन के बेटवा पत्नी भाई भतीजा पिता माता पुत्र वधू बेटवा के दुल्हीन ना पुत्र वधु बहन ना भांजा सपिंडी तथा सोदक तक कहे गए हैं कि यह सब जाकर के पूर्व पूर्व में न रहने पर तो बोले इसके बाद में जब कोई ना रहे श्राद्ध के अधिकारी तो बोले वहाँ पर तुम्हारे गांव के पंडित तुम्हारे पुरोहित जो है बोले उस सब में से कोई ना रहे अच्छे निमंत है फिर दन मुद पंडित फन तो बोलिए हम लोग बाटी यहाँ पर वही वेला ना इतनी दून पंडित तू कर दे हेल्प नहीं तत्या दिन चाहे तो के करे पड़ेगा अंदर पुण्य पाप के भागी तुलन हुई हो जे जे जेकरे घर में गुजरा ना विष्णु पुराण में बात के बताए ने बोले इसके अनुसार बोले संतति प्राप्ति के लिए आगे जीवन चलाने के लिए मात्र कुल पितृ कुल दोनों के उद्धार करने के लिए बोले ये श्राद्ध क्रिया करना आवश्यक है बोले एमन भेदना है एमन त्वैफल एक बुन बात पर ध्यान रहे श्राद्ध के संक्षिप्त में विधि हम तौर से बताएगी पिंडदान के बारे में बताएगी सूतक के बारे में बताएगी कि सूतक कहाँ पर दोनों है सूतक पिंड बता दी जहाँ पर प्रेत पिंड वाले जाए के पितृ प्रेत पिंड वाले एक पितृ पिंड में मिलावे हैं वहाँ पर जाए के सूतक दोन हो जाए और सूतक जब दोन भेल वहाँ पर तो दान दक्षिणा जितना देवा तो पंडित के अपना देव आत्मा के प्रति देवे जो तुम्हारे परिवार से गुजर गए निद्यांकन दत्त कि हम पंडित के इतना दक्षिणा दे पंडित के कुछ ना दे रहा तो पंडित खाली एक दक्षिणा पावे जो आइंदा पे जब वहाँ पर कुछ काम कर ले तो जैसा औकात रहे वैसे इंसान एंड अन पंडित अन ब्राह्मण मह नोइत फ्राख नोइत सहफन हमें इतना दिए हम तोर काम करवा दे अल्तांस फॉलोज द स्क्रिप्ट नीत महिमुत ओगनीत खेफ फन जो से वो अपन जितना कमाई के अपन तेल पानी चलाए के आए ले तो होने करवा और अगर तेलो पैसों के पानी ना निकल तो झूठे हो गए वो जब निराश हुई के चला गया तो तुम्हारे काम में सिद्धि ना भय पुण्य ना पाई लो सोके उतना ही थे जितना वो पुण्य प्राप्त आप कर लो ना जब कौस्तों अगर कौस्ता निकल जाए बस ठीक भगवान की कृपा रहे आप लोग जाना देखो क्या कर सको ना तो बोले उतना ही दो बोले जितना रहे लेकिन मांगना ना चाहिए पंडित ना बात भी है ना उस समय पे जब पिंडदान हो गए 12 रोज के काम अब हो गए तो वहाँ 12 रोज के काम पे देखियो वहाँ पर और पहले 10 रोज पे देखिए जितना कुल परिवार है कुल परिवार जो वहाँ सूतक में रहा था 10 रोजवा जो वहाँ सूतक मनाए तो कुल बैठ करके वहाँ भोजन करें ना और भोजन एक जुट्ठा ना हो चाहिए 5 प्रकार 7 प्रकार 9 प्रकार या अनेकों प्रकार नाना प्रकार के भोजन आप बनाइयो एक को जुट्ठा होना चाहिए और जाके वहाँ पर पहले दुनिया निकल के पितृ के नाम से निकल जाए फिर एक गौग्रास निकल जाए वहाँ पर जाए के ऐसा कुत्ता बिलार गाय लोन के चिड़िया उड़िया के या चूंटी उंटी के दवा जाएगा वहाँ पर धरा जाए फिर तब आप भोजन करिए भोजन करते समय थोड़ा थोड़ा निकाल करके धर देना पानी शरबत भी निकाल धर देना उसके बाद में इसे धरवा करके तब आप भोजन करो पहले क्रिया करता 5 कवर खा करके जल पानी अपने मुंह में डाल लेना फिर उसके बाद में जा करके समस्त परिवार जो है जो वहाँ पर भोजन कर सके कुल परिवार
बारह रोज वाला में, तब आप तो यहाँ कर लो बाटो, वहाँ पर पहले ब्रह्म भोज हुई बारह रोज वाला, और ब्रह्म भोज में ब्राह्मण बैठा करके, सिर्फ ब्राह्मण बैठा करके ना बोलियो, लेकिन हमारे एक नियम है कि चलो हम ब्राह्मण बाटे हम बैठ जावे, हमारे बगल में सब कोई बैठे, लेकिन पहले हमें मिले, यहाँ से शुरुआत हो, फिर सब कोई भोजन करे, वो हमारा नियम है। हम पुस्तक में ना पहले कहूँ, लेकिन ब्रह्म भोज लिखा ले करके, तो ब्राह्मण को बैठा करके, हाथ वहीं पर धुला करके, और वहीं पर भोजन परस करके, ना पंडित जी निकाल पंडित जी ले लो ना, परस करके बोले वहाँ पर भोजन करा करके, और भोजन कराए के वहाँ पर कुछ दक्षिणा दी के, तब वहाँ पर से बोले तुम्हारा काम बोले पूर्ति होते। यहाँ पर साथ लिखी से का अशौच क्रिया में बताई से कि ब्राह्मण भोजन से जा करके और तुम्हारा काम पूर्ति होता है, ये बात ध्यान रहे, ब्राह्मण भोजन से और श्रद्धा में जा करके, हाँ श्राद्ध क्रिया में ब्राह्मण के भोजन कराने से, ब्रह्म भोज कराने से अब बोले तुम्हारा श्राद्ध बोले पूर्ति होता है, वह आत्मा जा करके मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और जितना काम हो यहाँ पर अब तक जितना बात हम बतेली सब में देखियो कुश के काम लगे, कुश के कहानी एक दूसर है, कभी मौका लगे तो हम बताएंगे आपको, लेकिन हीर इज कुश फॉर प्लेक्ट एंड कुश देखिए हाथ में पहने ये शायद यहाँ माथा पे भी बांध देवे हैं और यू अमरीन पहना नहीं है, लेकिन कुश पे बैठ करके, कुश पे पिंडदान करके और कुश ही पे जा करके बैठ के भोजन करना चाहिए, कुछ जहाँ बैठे बैठो वहीं पर कुछ बिछा करके नीचे वहीं पर बैठ करके भोजन करना चाहिए, चाहे चटाई बिछा दो लेकिन नीचे कुछ रहे भी हो, ये बात ऐसे लिखा है। और उन श्राद्ध में और बताए से बोले श्राद्ध में ग्राह्य पुष्प बोले कौन फूल हम लगा सकते हैं, ग्राह्य पुष्प बोले सफेद पुष्प बोले उज्जर फूल रहे तो ठीक है, गेना के फूल रहे तो ठीक है ना, जूनी के फूल रहे तो बोले ठीक है, चंपा के फूल रहे तो बोले ठीक है, श्वेत पुष्प बोले ठीक है, कमल के फूल ठीक है, तुलसी के फूल ठीक है, भंगरहिया देखे बोले भृंगराज बोले ओकर फूल भी ठीक है, तिल के फूल भी लिखे लगे ओह ठीक है, बोले समृत रूपी समृत सार में बोले ये बात बताई से सत पत्रिका बोले छह बोले जो पितरों के लिए बोले बहुत प्रिय है ना, अनुसार में अगस्त पुष्प, भृंगराज पुष्प, तुलसी पुष्प, सत पत्रिका पुष्प, चंपा पुष्प, तिल पुष्प, ये छह पितरों के लिए अति प्रिय है। और पितृ देश में और श्राद्ध देश बोले जहां पर श्राद्ध होए बोले वहां पर वो साफ सुथरा जगह है, बोले वहां पर ऐसा फूल से क्रिया करने से, तिल के दान देने से, और वहां पर बोले आत्मा जो है बोले जाकर के अपने गति को बोले प्राप्त कर लेता है। बात यह है आगे में बतावल गए कि श्राद्ध में सब चीज ना खबर कर सकल जाऊंगा, सब चीज हम ना खबर करते हैं, यहाँ लिखा श्राद्ध करता के लिए निषिद्ध सात बातें, शायद सेफ देंगे जो श्राद्ध करता जो नमिया श्राद्ध पे बैठा ले क्रिया करता है वो लोग ये बातें बोले ओके। यहाँ लिखा है कि दंत धावन बोले दांत धोने से बोले वन जैसे तंपस्ता लगा करके बोले दांत उतना धोई, तांबुल पीने से, तम्बाकू पान वगैरह वगैरह जो है तम्बाकू सिगरेट हिलमर फरबोदा ना, तेल से जाकर के अपने देह को मालिश ना करवाइयो, उपवास ना रहियो, मन जैसे बोले हम जाए कि आज हम कुछ ना खा दिन भर हम कैसे बोले व्रत रहे मुझे नहीं दून इन इन सूतक आते ही, स्त्री संभोग बोले औरत संग सूतना भी बोले मना है ना, दवाई जे ना जे दवाई वाई पिए बोले उसके जा करके दवाई पी सकते ले सकते हैं, और हो ही सके जब पकड़ पाइए दसरो तो बोले दवाई ना ले तो दसरो तो बोले वह ठीक रह ना, फिर आके बताए बोले दूसरे के भोजन ना करी, आपन भोजन दूसरे के ना दियो, दुई प्लेटी में भोजन ना करी, एक ही प्लेटी में बात करी, बोले ये सात बातें बोले जो है ना तो बोले बड़ा प्रसिद्ध है ने और निषिद्ध है बोले इसके बाद में जो आप करियो तो बोले ठीक है ना। आगे मैं बताई से आठ वस्तु जो है ने वस्तुओं को बोले निषेध, और कौन कौन वस्तु बताई से पुनर्भोजन, तो आप बैठ करके भोजन करे लग लो और वहां से बोले फिर भोजन लाओ, वही भोजन से निकाल के आप धर दे लो प्लेटी में ओके निकाल के दे दो, बोले चिराई के दे दो या गाय के दे दो या कुत्ता के दे दो, लेकिन अब यहाँ भोजन करो फिर बोले भैया थोड़ा सा मैं दाल दे थोड़ा सा कड़ी दे माखने, एक दिन भोजन लियो और वहीं पर बस ठीक ओके बाद में मन करो भोजन करेंगे तो थोड़ा देर मात बैठ करके अपन फिर भोजन कर लियो, कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन उस समय जो समय आप वहाँ पर श्राद्ध करता के नियत से वहाँ बैठ करके और वहाँ पर भोजन करो बोले फिर वहाँ पर भोजन न करना चाहिए, मांगना चाहिए दोबारा भोजन न करें उस समय बताई से, अगर आपके इन दिन नित नोदक यात्रा भी ना करना चाहिए, घूमना इधर से इधर से उधर देश ना जाइयो, इस जगह से उस जगह पे ना जाइयो, ये बताई से। और भार बोले दूसरे के बोझा बोले उस समय पे ना दो, तो इसी से देखिए ढेर जगह जहाँ सूतकार है तो काम वगैरह अपन स्टॉप कर दें, दूसरे के
बोझा अपने मुड़ी अपना लिख चाहें कि हम ये कमुआ में चाहिए करी कमुआ चाहिए ना, वो काम ना लें। परिश्रम उस समय पे बताए थे, बोले मेहनत ना करना चाहिए, बोले एकदम ताकत लगाए कि बोले वहाँ काम ना करना चाहिए, श्रद्धा से रोस्तक से वहाँ पर जाएकर सूतका में बोले एकदम मौन जिसने बताई, बोले एकदम रोस्तक से। आगे में बताए से कोई के दान ना करना चाहिए उस दस रोज में जब तक सूतका ना दोने ना। और वहाँ पर होम अग्यारी पूजा पाठ भी वर्जित है करने के लिए ना। श्रद्धांत से भोजन करने वाले बोले या आठ बांटे से बोले बचना चाहिए, बोले सब बात जो है ने तो बोले इसे बच करके रहना चाहिए। श्राद्ध में निषिद्ध कुश कौन कुश हम ना खबर कर सकेगा, जो कुछ हम लोग चिता पे बिछैली वो कुछ फिर तुरे के ना खबर कर दी, जो रास्ता में पड़ल है ऊपर से हम लांग के हबड़ाई गई बोले वो कुछ ना खबर कर दी। पितृ तर्पण जब पूजा हो तो देखिए पंडित दूध द्वारा इसे घुमा करके आकाशवाणी गंगा कर मध्य ऐसे धर करके बोले वो तर्पण जो करे बोले वह कुछ जो करे नीचे धर ले बोले ओके ना खबर कर पे। ब्रह्म यज्ञ का उपयोग में लिए हुए ब्रह्म यज्ञ बोले कोई यज्ञ कर लो और मन काम में लगे लो वो कुछ ले के यहाँ पर पितृ श्राद्ध ना कर सको ना। जोन कुछ में से गंदगी आवे बोले वो खबर ना कर पाइयो। अन्य आसन पे निकाले बोले एक आसन बिछौना पर से निकल लो और दूसरा बिछौना पे जाके धर लो या दूसरा काम में लगे लो बोले कुछ ना खबर कर सको, बोले ये सब निषिद्ध कुछ मानी गई। श्राद्ध में निषिद्ध गंध खुर जे के बोले ना। श्राद्ध में श्रीखंड एक चंदन हो श्रीखंड चंदनम तो बोले वो चंदन ना खबर करे चाहेगा। फिर बताए से कपूर रही कपूर सहित सफेद चंदन बोले कपूर में मिलाई हुई चंदन बोले ओके ना खबर करियो। पितृ के लिए प्रियस्ते बोले ना ठीक। अन्य पुरानी लकड़ियों बोले पुराना लकड़ी जो है ले बोले ओहू के ना खबर करियो ना। निर्गंध बोले जो जो कैसे बोले जो लकड़ी में से शायद घून निकसत हुई लकड़ी में से कोई किरवा निकसत हुई लकड़ी में जाए के वहाँ पर जाला लगा बोले उस सब लकड़ी भी ना खबर करियो। चंदन के लकड़ी है तो बोले वहाँ पर कदापि न खबर करियो ना। कस्तूरी रक्त चंदन गौर चंदन सल्लक और जाकर के पूर्ति के बोले ये सब जो है नी सब निषिद्ध है इस श्राद्ध क्रिया में। बताए से आगे में कि श्राद्ध में निषिद्ध ब्राह्मण बोले सब ब्राह्मण से बोले पूजा ना करवाना चाहिए। वही ब्राह्मण रहे जो जाए के साफ सुथरा रहे अच्छा से अपन जीवन चला रहे। जो ब्राह्मण हम जहाँ शास्त्र में बताए से हम बता दी कौन पुराण में मनुस्मृति में बताए से विष्णु पुराण में बताए से ब्राह्मण पुराण में बताए से मत्स्य पुराण में वायु पुराण और कर्म पुराण में ये सब बात बताई से कि कौन ब्राह्मण से काम ना कराना चाहिए। जो कोई खोजना चाहिए सब पुराण में निकाल करके पहिए तो वहाँ पर मिल जाएगा। बताए से जो ब्राह्मण चोर हो जो पतित हो जो जा करके अपने पत्नी के साथ कोई संबंध ना रखे ना घर में रहे ना और बाहर दूसर ऐसे बोली एक ब्राह्मण रहे जो वैध फ्रॉड रखे रहे उसे काम ना कराना चाहिए। मूर्ख जो है और धूर्त जो है जो मांस मछली खात हुई जो व्यापारी करत हुई जो कोई के नौकर हुई ना जो खूनी हुई काले दांत वाले ना गुरु द्वेषी जो बोले अपने गुरु के अपने माता पिता के जाकर के देख के जरत हुई ना बोले उस सबसे और जैसे एक बात बता दी छोटा में कि समझ जाओ कि हमार बाप माई गुजर गए हमारे बाप माई गुजर गए बड़ा बहन है बड़ा भाई है वो बाप समान है वो माई समान है ओहू के द्वेषी कर लो तो समझ जाओ तो अपने बाप माई के द्वेषी कर लो। ये सब बोले ब्राह्मण से बोले पूजा ना करवाना चाहिए ना। और यहाँ आगे बताई से जो जाकर के बुरा आचरण पढ़ाने वाला ब्राह्मण हो बोले जो अंड संड गाली गलौज दे बोले उस ब्राह्मण से पूजा ना करवाना चाहिए। जो काना हो जो जुआड़ी हो जे कसिनो सिन हो जाए वैसा पंडित से ब्राह्मण से बोले पूजा ना करो। जो अंधा हो जो कुश्ती खेलने वाले हो और कुश्ती सिखाने वाले नपुंसक हो पुंसक है जो नो फन लिंग्स नो फन रेक्स जेके उन्होंने फलांस में बोले होमो बोले वैसा ब्राह्मण को बोले त्याग देना चाहिए वैसा ब्राह्मण से पूजा कदापि ना कराना चाहिए। और श्राद्ध में निषिद्ध अन्न नहीं ब्राह्मण के बारे में बताए से ये पुराण में बताए से हम कौन कौन पुराण से निकाल कर लिखा लिखा था हमें इस बताए रहे जो ने आप लोग जान लीजिए। निषिद्ध अन्न बोले चौर के कौन चौर हम ना खबर कर सके जोन में बाल गए जोन चौर में बाढ़ चला गई जोन चौर में जाके कुत्ता सूंघ ले रहे और जाए के उनसे दुर्गंधिती आवत हुई उनसे खुर महक आवत हुई गंधात हुई ऐसी वास्तव में श्राद्ध के बोले उपयोग न करना चाहिए। बैगन और शराब
भी त्याग देना चाहिए। कहीं कहीं पर बैठा लगी तो बोले पंडित बोले ये रमिया दारू जिंदगी भर पी से बोले ओकरो खदीन धर दे तो थोड़ा सा पालन नहीं स्नित खुद देखो यहाँ शास्त्र प्रसिद्ध बताई से और बोले ये ब्रह्म पुराण में ये बात बताई से बोले वहाँ पर बोले शराब और बैगन को त्याग देना बैगन बोले भाटा ना बोले त्याग देना चाहिए। काहे का दिन भाटा को त्याग देना चाहिए कारण भाटा में एक ऐसर कहा होता है जो बपादल लेखांश क्राख्त लेखांश ताकत हम लोग के अंतवेकल करे जो नन उदक है हम लोग अंतवेकल करेंगे उस समय पर कभी ऐसे मौका लगे तो हम इसे फोड़ करके आपसे बताएंगे इन पशुओं के द्वेल्स तो हम बताई देवे लेकिन सांप और बैगन बोले यहाँ पर बरसी वर्जित है। फिर आगे में बताई से कोहड़ा बन कुष्मांडिका बोले वर्जित है कुष्मांडिका बोले कोहड़ा के और कोहड़ा काहे वर्जित थी कारण कि कोहड़ा चौथा रूपी देवी का है उस कारण से कोहड़ा श्राद्ध क्रिया में वर्जित है ना बोले वहां पर ना करना चाहिए। बोले जौन व अन्न पर जौन चावल पर बोले जब तू भाग बना के धर दे लो कोई पहलल वाला कपड़ा ऐसे पहलल वाला कपड़ा उसे ढांक दे लो बोले वो भात बोले चावल बोले निकाल करके बिक देना चाहिए दूसरा चावल बना लो वो चावल को बोले फिर काम में लगाना ना चाहिए। फिर वहाँ आगे बतावे श्राद्ध में और कुछ कुछ बातचीत है तो अगर नाम हो लीला सबके नाम हम नहीं जाने कौन कौन चीज़ हैगा लेकिन आप खोज सको अपने जब आपके कोर्स हुई वर्णन बुक हुई ओमन खोज सको। एक के बोले राजमास मसूर के दाल अरहर के दाल गाजर कोहड़ा गोल लौकी बैगन सलजम हींग प्याज लहसुन काला नमक काला जीरा सिंघाना जामुन पीपली सुपारी कुल्थी कैथ महुआ असल अलसी पीली सरसों चना। देखो यहाँ पर इतना चीज श्राद्ध में बताई थे कि वर्जित है श्राद्ध में न करना चाहिए। श्राद्ध में मांस का निषेध है बोले श्राद्ध जो कोई करे तो बोले वहां पर गोश्त मछली के बात ना एक बात है गोश्त मछली के बारे में मांस उसके बारे में आप श्राद्ध करो या आप नवरात्र मनाओ या आप अपने घर में एक व्रत धरो एक पूजा धरो आपके मन में इतना आएगा इतना बात ध्यान रहे कि आपके मन में आएगा कि आज श्राद्ध हमारा आज हमारा व्रत दोन है आज हमारा श्राद्ध दोन है मान बिहान नहीं परसों बनवा आपको चिकना चिकना खूब मोज बैठेगा है हाल हूफ इस साल पाप के भागी हो गए जो आप पुण्य कमैलो सब एकदम ब्रष्ट एकदम दोन आइंदा कला लीफर दू य दत्नित जब तक कर पाओ तब करो जब ले तो नियम है उतना दिन तक करो जब वहाँ नियम हो ही गया कि यहाँ पर हमारा नियम पूर्ति हो करे बाद में फिर आप करो तो बस ठीक है। एम बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान ने की जय। तो इतना बात हम आप सबसे बताइए कौन कौन काम निषिद्ध है कौन कौन बातें निषिद्ध हैगा और श्राद्ध में बताई थी कि बोले मांस के निषिद्धता है बोले मांस के बारे में कुछ ना बतिया तो करे बारे में तो बोले ठीक रह बोले वहाँ पर श्राद्ध के निषिद्ध हो जाए बोले श्राद्ध एकदम पूर्ति न हो संतुष्टि से बोले जाकर के अपन श्राद्ध क्रिया को करना चाहिए। आगे में बताई से कि भगवान के पूजन जो है आपके घर में शायद मंदिर हो आपके घर में पूजा प्रार्थना कर दी तो बोले उस समय बोले भगवान के नमन कर देने से बोले उतना ही ठीक है पूजा प्रार्थना उस समय फूल चढ़ाना बोले वर्जित न करना चाहिए। आगे में बताई से दाह संस्कार में पूर्व दाह संस्कार से पूर्व जब मट्टी जरे से पहले दाह संस्कार से पूर्व और रोने का निषेध बोले रोना न चाहिए बात बताई से और कहाँ पर बताई से यज्ञ स्मृति पुराण में बताई से गुरु पुराण में प्रीत खंड 15वां और 58वां अध्याय में बताई से श्लोक में बताई से 15वां अध्याय 58वां श्लोक में बात के बताई से बोले मृतक प्राणी के लिए आत्म जीव को लिए भूल कर भी बोले रोना न चाहिए अपितु और सदगति के लिए बोले अच्छा गति प्राप्त करने के लिए बोले यह क्रिया में औधर्य दीव दैवी क्रिया में बोले कभी ना रोना चाहिए रोने से आंसू जो निकले हमारे देह से हमारे आंख से बोले हमारे आंख से आंसू रोने से आंसू जो निकलता है बोले वह प्राणी जो गुजर गए बोले जो मृतक प्राणी है बोले उसे पीना या खाना पड़ता है इसी कारण से हम कहीं कहीं पर बोल देला तो आदमी लोग गुस्सा जाए अरे भैया ओकर आदमी पलवार मर गए रोई रहे वही कारण से बताएगा कि न रो वो लहास के ऊपर तो क्या मन कर रोए कि वहाँ लहास से दूर चला जाओ वहाँ बैठ करके खूब हल्ला चिल्ला चिल्ला करके रोई दो लेकिन लहास के ऊपर लहास के आगे न रो ओकरे ऊपर एक बुन आँस ना गिरे तो ठीक है यहाँ ये बात बताई सर। उद्यापन बोले जब जब मेहनत ना करिए जीवन में कितने लोग व्रत करते हैं परंतु व्रत का उद्यापन नहीं कर पाते बोले उसका
भावना में जानते हैं कि क्यों हम करते हैं ना। व्रत के पूर्ण करने से ही जो श्राद्ध क्रिया एक व्रत भी है, एक मृतक व्रत है कि जहां पर हम मृतक प्राणी के लिए व्रत धारण करें 10 रोज 12 रोज, तो बोले उसके करने से बोले जब कर लो तो बोले उद्यापन बोले तो हाँ पुण्य प्राप्त होगा, अन्यथा न होगा तो करना ना करना झुट्टे हो जाए। एक बात और ध्यान रहे, तुलसी के पत्ता जो है, तो देखियो तुलसी के पत्ता पर सुलपेट करके सोना जो है, तो सोना 7 टुकड़ा सोना लगे तो सोना जाकर के 2 गो आंखें में लगे, या 2 आंखें में, 2 गो नकुना में, 2 गो कान में, 1 गो ई कान में वही कान में, फिर 1 गो मुखार में, इस 7 द्वार है जो जाकर के स्वर्ग मुख के द्वार है, जो यहाँ से प्राणी निकल गए तो इसके स्वर्ग मिलना आवश्यक है। और द्वार है नहीं, लेकिन और द्वार के उन्होंने ताकते हैं, 7 द्वार पे उनके सोना धरना चाहिए और सोना जाए के तुलसी के पत्ता में लुपेट करके धरना चाहिए। कहीं कहीं पर देखियो पंडित या नाव धरवाई तुलसी या पतैया धरवाई तो रुई लगा दी, रुई न लिखल खाली तुलसी के पत्ता में लुपेट करके धरना चाहिए। और तुलसी के काष्ठ जो है, काष्ठ बोले कर लकड़ी जो है, तो बोले ऐसे जाकर जो शायद कोई प्राणी गुजर जाए तो करे सिराहने, सिराहने बोले ऑन द न धर के, और ओमन आगे आगे देवे से, मुंह में आगे देवे से, तो बतावे कि जाकर के वो प्राणी चाहे जितनों पाप भागी हुई है लेकिन जाकर के स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर शास्त्र में भी बोली से कदापि बोले शायद कोई चांडाल हो, एक बदमाश हो, बोले उसको बोले तुलसी के कष्ट काष्ट धर करके बोले कभी ना जलाना चाहिए, कारण कि ओहू जाए के मोक्ष स्वर्ग प्राप्त हो जाए, जो ना अपन भुगते करें ओहू ना भुगत पाएगा। तो जे जैसे करे सो के चाहिए, कलयुग में ये बड़ा नियम है का दो, फिर जाकर के वहाँ 12 रोज के क्रिया जो हो जाएगा, तो पंडित के गोड़ धोइयो, पंडित के दक्षिणा दियो, पंडित के बोलियो, शरबत पियो, फिर वहाँ पर जाए बैठा के गीता पाठ हो अवश्य हो, तो प्रसन्न गीता पाठ हो। और गीता पाठ काहे कहते हैं, गीता पाठ बताए से बोले भगवान की कही हुई वाणी, भगवान के मुखारविंद से निकलल वाणी, और जो भगवान के निकलल वाणी गीता के सुनाने से, गीता के काष्ठ कान में जाने से बोले वह प्राणी जाकर के मोक्ष स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। यही से देखियो कहीं पर कोई बीमार रहे, अस्पताल में रहे, लाचार रहे, तो जाकर के लोग बोले पंडित जी चलो तो नहीं हमारे परिवार को गीता पाठ सुना दो, यही कारण से ओकरे कान में एक भनक जब पड़ जाए, ओकरे कान में एक अक्षर जब पड़ जाए भगवान के नाम चला गया तो समझ जाओ मोक्ष स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। कभी गीता के महात्म पढ़ करके देखियो तो अमन लिखल ना, गीता के कथा कहीं हुई थी बात भी देखियो सुने, और पंचरत्न गीता में एक महात्म्य में आकर के बताए ने बोले जो प्राणी बोले गीता के नाम भगवान के नाम लेते हुए अपने आत्मा को त्यागता है छोड़ता है बोले वह अवश्य जाकर के और मोक्ष स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस पर ध्यान आगे में बताई इसे। अच्छा हम बताइए दास संस्कार से पहले रोने वाला बातचीत, फिर आगे में बोली से गम दान के बाद कौन दान हम कर सकते हैं, हम बहुत सारा दान यहाँ लिखा दान देखियो तो एक बड़का लेस मिल जाए वहां पर उतना दान कर सको, लेकिन अवकात बराबर दान करना चाहिए। यहाँ दान लिखा है भूमि दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए, घव घी घृत दान करना चाहिए, वस्त्र दान दान धान्य दान गुड़ दान चानी दान नमक दान चावल दान बोले ऐसे दानों बोले महादान में लिखाई है बोले सब कारण बोले मृत्यु के समय न किया जा सके तो बोले एकादश द्वादश श्राद्ध के रोज बोले सब दान कुछ महीने से निकाल करके कर देना चाहिए। और गौदान जो है तो यहाँ साक्षात बताए से गौ के दान करना चाहिए, लेकिन गौदान उन्होंने हरदम लेवल करे तो बड़ा गाय रहे उनके, इसी कारण से उन्होंने पैसा को धरवा करके गौदान के रूप में दक्षिणा के रूप में, और गौदान तंदूर बना करके तंदूर बोले जो चौर कपड़वा बना ले चौरो एक पैसा धर ले, एक ब्रह्म दक्षिणा रहे, एक गगनी दक्षिणा रहे, एक जाकर के गौदान रहे, 3 दक्षिणाओं पर धर के चाहिए ये बात जाना रहे। ऐंदा पे पंडित बोले एक गौदान के पैसा ले तो यानी एक को ना धरो 3 को धरो, तो अपने कंधी से तो अपन काम पूर्ति कर दो, तो इतना काम करने से महादान बहु पुण्य के प्राप्ति आप हो सकते हो, इतना करने से बोले वो आत्मा बड़ा तृप्त हो जाए, बड़ा शांत हो जाए। आगे में और गौदान के बराबर बताई से ऐसे यहाँ पर और आगे में बताई से भी कि कुसा पर से कुसा के बात हम बता दिए, फिर यहाँ बताई से कि हमें कौन कौन काम न करना चाहिए 10 रोज में बोले कौन कौन काम, बहुत सारा काम है जो हम ना कर सके, बहुत सारा नियम है जो हम ना पालन कर सके, लेकिन पालन करने के लिए यहाँ बताया प्रथम दिवस से लेकर के 10वां दिवस तक बोले कुटुंब सहित बोले सब परिवार सहित बैठ करके भोजन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य बोले एकदम साधु शांत महात्मा होकर के बैठो और वहां पर जो कोई कुछ बोले सुनो, दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके प्रवचन को सुनो, दक्षिण दिशा की ओर बैठ करके मुखारविंद करके बोले वहां पर बैठ करके और श्राद्ध क्रिया में भाग लो। दक्षिण बोले एनत सैदन ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मुंह ऐसी करके फरफीलन की जो ना दमियन तो घरे आए लोग पाछे बैठेगा महात्मा नहीं तो जो श्राद्ध क्रिया करता है वो के चाहिए ऐसे बैठे। हाँ बताइए से। तो बोले ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, जहां पर मट्टिया उठल है वहीं पर बोले शयन करना चाहिए, लेकिन कोई ना कर पाएगा तो भीतर में जाकर के आप सोच सको, लेकिन भूमि पर जमीन पर ना, तकिया उकिया पर ना, पर कैसे गद्दा पर, लेकिन भूमि पर शयन करना चाहिए। किसी को ना छूना और ना छुआना चाहिए। हम लेता लग पड़ेगा जिन्हें आप लोग समझ जाओ कि कहां से हम पड़ेगा ना, यज्ञ पुराण में से बात के मतलब बोले कोई ना छुए ना कोई के तुम छुओ। बोले सूर्य अस्त से पहले, सूर्य जब नीचे जाए तो बोले उसे पहले बोले एक दायन भोजन करो, दोबारा भोजन न करो। नमक रहित बोले नीमक, बिना नीमक के बोले भोजन करो। मिट्टी के पात्र या पत्ता में, मट्टी बोले एमाइल बोर्ट में या जाए के पत्ता में बोले भोजन करना चाहिए। प्रथम दिवस से लेकर के प्रथम और जाकर के वहां पर बोले जब हो ही सके तो बोले फल भी खाई सको, फल खाए से फलाहारी हो सको। गौग्रास निकाल करके दसवां रोज तब फिर अपने के भोजन करो। ऐसे बतावे बोले प्रत्याग करना चाहिए, बोले सब रकम से भोगों को बोले प्रत्याग। भोगों बोले है दारू पीना, बीर पीना, सिगरेट पीना, मांस मछली खाना, औरत के संभोग करना ना, आदमी से हंसी मजाक करना, ठट्ठाई के जोर से हंसे वाला, बोले ये सब सब त्याग देना चाहिए दस रोज ना, बोले सब भोगो जो है बोले से प्रत्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचरित्र जो है बोले उसको अवश्य पालन करो। पृथक पृथक आसन पर शयन करो, बोले सबको एक जगह ना सोते, बोले अपार अपार सोते। स्नान करके जा करके उद्देश्य दिया है कि स्नान करके जब जेब तिलांजलि देना चाहिए, बोले स्नान करके तब जाके आदमी के लिए जहां पर घंटा टंगल है, जहां कुछ गड़ल है बोले वहां पर तिलांजलि दे, स्नान कर तिलांजलि देना चाहिए। मांस और जाकर के भोजन नहीं, भोजन आदि अमित भोजन बोले दूसरा भोजन बोले अन्य भोजन बोले न करना चाहिए, साधारण भोजन करना चाहिए। शरीर में बोले जो दिन है बोले एक कपड़ा दिन भर पहनो फिर के उतार के धर दो फिर धवा जाए फिर बिहान पहनो, रात वाला कपड़ा रात के पहनो फिर उतार दो फिर धवा जाए फिर बिहान रात के पहनो, एक के कपड़ा दस रोज। शरीर में कपड़ा जो है बोले साबुन लगा करके धोना ना चाहिए, तुम्हारा तुम्हारा कपड़ा खरीद बताए जो क्रिया करता है। केस बोले बाहर को बोले न कटवाना चाहिए, दाढ़ी न बनाना चाहिए, पैर वेर दबवाना ना चाहिए कि हमारा देह पिरा हमारा देह दबा दो, बोले न मालिश न करवाना चाहिए, छौर कर्म भी न करना चाहिए, छौर बोले स्केर। पहले तीसरे और जाकर के बंधु बांधव बोले बैठ करके सभी वहां पर भोजन करे। मंदिर में न जाना चाहिए, देवी देवता के पूजा न करना चाहिए, देव मूर्ति के स्पर्श आन राख देवी मूर्ति के बोले न करना चाहिए। दान स्वधाई बोले आप एक को स्वधा जिसे हम बोले ओम प्रजापति नम स्वाहा तो तुम बोलिए स्वाहा तो क्या ना बोलना चाहिए, पितृगण में स्वधा तो क्या ना बोलना चाहिए, स्वधा आप खरी धरो पंडित पढ़त है मंत्र इतना बात बोले भी ना बोलना चाहिए। किसी को प्रणाम न करना चाहिए, कोई के हाथ न मिलाना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए भैया आप कल्याण, आप तो वो सूतक में बांटो कैसे आशीर्वाद दिए, सूतक वाला आदमी आशीर्वाद कैसे दिए, तो बोले वहां आशीर्वाद भी ना देना चाहिए। घर में प्रत्यक्ष देवता के पूजा यज्ञ ब्राह्मण को बुला करके और पूजा भी ना करवाना चाहिए, और देवालय में बोले न भजवाना चाहिए जाना चाहिए, और बोले स्वयं भी न जाओ बोले न जियो। तो इतना काम जब बताए से कि न करना चाहिए तो न करो। प्रेम गुरु लक्ष्मी नारायण भगवान ने की जय। इतनी सारे बातें जो हम बताए नहीं सब जो हम लोग कर कोई तो सब ना कर पाओ, ये हम शास्त्र में लिखल है करने की योग्य हमारा हो तो करो, न योग्य हो तो जो जौन कर पाओ जितना औकात रहे हमारा उतना ही करो, जितना औकात रहे। दस गात्र के पिंड दे दो, बारह रोज के पिंड दे दो, मांस मछली ना खाओ, दारू वगैरह ना पियो, तम्बाकू वगैरह सिगरेट ना पियो, और जाकर के स्त्री भोग ना करो, ऐसे जौन वाला है हम उनका औकात में बोले वही वाला करो, एक बार भोजन करो, सब छोटा छोटा चीज जो हम लोग कर सकते हैं वही वाला हम लोग करें।
नीचे जमीन पर भूमि पर जाकर के शयन करी, दशगात्र के बाद में, बारह रुच के बाद में आप अपने क्रिया को सब कर सको, इतना बात ध्यान रहे। और एकदम मौन चुप रहो, यमन ना आप बोलो कि हमार बाप बोले रहे, हमार मैया बोले रहे, हमार आजा बोले रहा, ऐसे हमार वाला करियो, हमार श्राद्ध ना करियो, ना जैसे शास्त्र बतावे है वैसे करना चाहिए। शास्त्र वाला पुस्तक वाला दान बैन एक नहीं दस दान हकन फिंगर च वैसे ना दुस्तक दार यानी श्राद्ध सब पद्धति जो है इसे आप कीन करके या डाउनलोड करके आप पढ़ो। एमन बहुत सारे बातें हैं कि के श्राद्ध करना चाहिए कहाँ पर सा। एक बात छोटा बात और है, कभी काल की सबके बारे में आवे, देखियो पिंडदान में पैसा रहा कौड़ी धरा ना पैसा, एक को पिंड के ऊपर एक को पैसा एक को फूल धरा वो धर देना चाहिए, वो भी आवश्यकता है। फिर जाकर के आगे में बताए कि कौन आदमी के कौन लड़का के श्राद्ध हमें करना चाहिए कि और श्राद्ध कौन वाला के ना करना चाहिए। कोई लड़का हो ही समझ जाओ इसे पैदाइश से लेकर के 24 महीना तक, यहाँ साक्षात लिखा है 24 महीना तक फिरंतवे तक मानद एंड फिरंतवे तक मानद के स्केल टू यार में संपादा ना, तो बोले फिरंतवे तक मानद के लड़का जो रहे तो बोले ओकर श्राद्ध बोले यहाँ देख लीजिए 2 वर्ष से पूर्व 24 मास से पूर्व बालक का कोई श्राद्ध तथा जलांजलि आदि क्रिया की आवश्यकता ना है, बोले वहाँ कुछ ना करे जब 24 महीना से नीचे लड़का रहे तो। 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर बोले 2 बरिस जब पूरा होगा, 2 बरिस पूरा हो जाने पर और 6 बरिस से पहले रहे तो बोले श्राद्ध क्रिया बोले मलिन सोरसी तक बोले जाकर के श्राद्ध क्रिया धर ले 10 रोज के क्रिया करके और बोले विराम कर देना चाहिए। इसके बाद जब 6 बरिस के बड़का हो गया लड़का तो बोले वहां पर एकादश द्वादश श्राद्ध बोले हम कर सकते, उसे नीचे वाला केवल आवश्यकता ना है करे करे शास्त्र बोले। 6 बरिस के बाद में श्राद्ध बोले पूर्ण करना चाहिए, सपिंडी तक बोले कर देना चाहिए ना। यही से देखियो जब छोटा लड़कन रहे और छोटा लड़कन जब गुजर जाए 2 बरिस से नीचे लड़का रहे 27 महीना से नीचे रहे लड़का तो वो लड़का के भी जराना ना चाहिए ना। बपाद अंतविकल के बपाद लेखांश ट्विकलिंग जो लड़का करे अभी ना पूरा भैल तो बोले वो लड़का के जमीन पे धरती मैया के गोद में बोले गाड़ देना चाहिए, ओकरे बांध वाला लड़का के बोले जाकर के हम जरा सकते। ये वो बात है कोई भी लड़का गुजर गया, लड़का भी छोटा है अभी कन्या रूप है या लड़का रूप है बालक रूप है 10 बरिस 9 बरिस से नीचे तो बताए से बोले वो लड़का अपने बाप संगे या अपने माई संगे एक चिता पर जर सके लेकिन एक बाकस में न धराए किसी न धराए बगले बगले धर करके ओके जला सकते, ये बात भी बताई से। और श्राद्ध में बताई से कि जो जो जरान जराइयो एक बात और वहां पर परिक्रमा ले जा 5 केरमुतोद्रमहीन लोग 5 दिन चले पड़े ना करत्वा तु दुष्कृतम कर्म जानता वाप्य जानता मृत्यु काल वंश पंचो आगंतम बोले 5 तत्व के लिए जाकर के धर्म के अनुसार और भगवान में उन्होंने अर्पण करे धर्माधर्म समायुक्तम लोभ मोहे समावर्तन दिहीम सर्वगात्राणी दिव्य लोक आनंद सगचतु बोले दिव्य लोक में जाए कर आत्मा पहुंचो। फिर जाकर के बोले वहां पर जो क्रिया करता है जो कमुआ करी जो कमुआ पे बैठी का पुजवा जे करवाई वहां श्राद्ध में बैठी जे तो बोले वो हम वो बोले वो पहले चले ओकरे बाद में कोई कुल पलवार जो अपन मुड़ मुड़वाए रहे ये सूतका में भाग लेवे तो ओकरे संगे संगे चल सकत ना कि जब तू बहन वहीं के अलो कहीं बहरे से अलो हमारा राजा ना हमारे काकारा लास्ट वैन से कहीं ओके इतनी मट्टी में भाग ली तो कर लो चली ना। जब तू श्राद्ध में भाग ले लो श्राद्ध में मुड़ मुड़वाई लो वहाँ पर सूतक आग्रह में भाग ले लो तो आप वहाँ पर लून तू चल ना ठीक ये काम पर ध्यान रहे। वहाँ पर जहाँ पर मट्टी जरे वहाँ पर लिखे कदापि कुछ न खाना कुछ न पीना चाहिए। जहाँ पर सूतका ग्रह है वहाँ पर कुछ पीने से आप जब पी लो वहाँ के घर के पानी ठीक से सुनियो हम क्या बोलते हैं घर वाला पानी जो आपके नदी अरे कुआं के पानी रहे के पीने से बोले आप भी सूतका में चला गए। आज कहाँ कुआं के पानी के पिए वी ड्रिंक नी पित वाटर निमान वी ड्रिंक नी टाँकी वाटर कोई ना। तो यहाँ पर ये बात में हमें इतनी त्वेफल है इक्के करान से सब पानी आवे हैं तब दत्सु के मुदक वेल इफ सुख दत्सु के कैनिक नहीं
इस इन भवनांत में भी हम जाने हैं, यहाँ पर सूरीनाम देश में भी हैं, ये क्या लैदे हैं उनमें से खाली अपार तुम्हारे घर में लगावल है, और वही पनिया सब कोई पावे, वही पनिया तुम पाओ, दार है पक मत वैफल सोफ खास खास इक्के लैदिंग से आवे। तो यहाँ लिखा चूल्हा न बारना चाहिए, शास्त्र में लिखल है चूल्हा न बारना चाहिए, चूल्हा में अग्नि का प्रवेश बोले न करना चाहिए। तो चूल्हा लिखल है, खास बोल न लिखल है, खास फरनाइश न लिखल है, वह चूल्हे के नाई हुई तो मन हमार गलती है, लेकिन हम सोचिला चूल्हा इस चूल्हा एंड खसबम इस खसबम, बस ओमन हमार तो ऐसे वो दुई चीज पे हम लोग के अंतोत ना दे पा, ये बात ध्यान रहे। और बालकों के श्राद्ध में बोले जब लड़का गुजर जाए तो बोले सवेरे या दसवें रोज पे बोले जाकर के श्राद्ध क्रिया न करे, बोले ओके जाके कुछ मिठाई दे दे, मीठा भात दे देवे, खीर दे देवे, कुछ शुक्र वाला शुक्रसानी धर देवे, लेकिन मन अवे तो अवेत ना रहे तो ठीक है। एक बात और है कि श्राद्ध में जो जाकर के 12 रोज पे क्रिया हो है तो ढेर जगह बहुत सारे जगह देखी ला, यानी बड़ी अटपट लगी बात के बोले के, लेकिन यही पुराण में बताए से बोले वहाँ खीर का बोले प्रयोजन करना चाहिए, खीर बोले हैं मीठा भात है, एंड यहाँ एरेसम फॉर स्केल में मीठा भात एंड खीर, मीठा भात जो है तो जाकर के पानी से बनता है, खीर जो है तो में जाकर के दूध से बनते है, तो बोले खीर का प्रयोग करना चाहिए। हम महन भोग कहूँ ना पैनी, महन भोग हम कहूँ ना पैनी, एंड दानम है एक जहाँ हम पूजा करवाए ला, जहाँ हम श्राद्ध क्रिया करवाए ला, हम कभी जाए के वहाँ पर महन भोग चढ़ावे ना करें, जे बनाए भैया तू चढ़ा दो, हम न जाने कैसे के चढ़ाओ के करके दिन चढ़ाओ, तो वहाँ लिखा है खीर चढ़ाना चाहिए, तो खीर बना करके और चढ़ा देना चाहिए। और आगे में बताई से कि जो दान पुण्य वहां होते है वो जाकर के वो आत्मा के प्रति प्राप्त होता है, दान के पात्र जो है पात्र, कलई के प्लेटी ना रहे तो ठीक है, तामा वाला देखे बोलेगा सिल्फर, सिल्फर रहे, खौद क्लोरस रहे, पत्ता रहे, तो ये सब चीज में बोले करना चाहिए। एक वन पे करियो तो तुम्हार पूजा चाहे जितना विधि विधान से आप करियो तुम्हार श्राद्ध पूर्ति न हो ना। एक औरत जात के कभी काल के लोग पूछे बोले औरतिया जब श्राद्ध पे बैठी तो बोले ओकर बरवा कैसे छिली, ओकर बार यहाँ पर ला करके ना, जैसे हमारी चुड़की है, चुड़की औरत के बार है लम्बा, तो यहाँ कंती में नीचे से एक इंच इतना एक इंच काट करके ओके ले जाए के पानी में सरवा दो, वो औरत श्राद्ध क्रिया में बैठ करके अपने श्राद्ध को कर सके, एक बात बताइए। और आगे में बताए निषिद्ध ब्राह्मण निषिद्ध अन्न आपको बता दे, निषिद्ध कुश निषिद्ध पुष्प गंध आपके सबके बता देवी, और वैसे बताए थे महादान वाला बात हम आपके बताइली, पति पति पत्नी के संबंध वाला बात बताइली, कौन ब्राह्मण से आप पूजा करोगे वो बात बताइली, कि कहाँ पर सोना चाहिए वह बात हम बता देवी छोटा में, और इसके बारे में मुझे आगे बताई थी तो बहुत लंबा हो जाए। चिताग्रह चिता पे जाकर के वो जो लहसवा हम धरेला तब बहु बताई से बोले उत्तर दिशा कंती देश नॉर्दर्न कंती होकर मूड रहे मैथसन खसेख ना बोफा, और अगिया जो उन्होंने देवल जाए इसे घुमा करके उल्टा हाथ ओकरे मुंह में देवल जा, चिताग्नि चिता के अग्नि जो है तो बोले मुंह में देवल जा, और ओके नॉर्दर्न कंती लेटा करके देवल जा, कपड़ा पे लेटियो ओकर नीचे मंगियो तुलसी के काष्ट धर दियो, पीपल के काष्ट धर दियो, बेल के काष्ट धर दियो, या जो लकड़ी रहे वहाँ पर धर दियो, लेकिन जो धर करके तब बोले जलाने से महापुण्य प्राप्त होता है। सौ के दाह जो है प्रक्रिया जो है बोले वहाँ भगवान शंकर के नाम से बोले वहाँ पर पहले पानी छिड़कना चाहिए, देखियो जहाँ पर सौ क्रिया होत हुई वहाँ पर एक लोटा पानी धरल दी तो पहले पंडित पानी छिड़क दी, वहाँ सर्व तीर्थम समायुक्तम सुगंधित निर्मल जल माचुन्य मादत्वम ग्रहण मैं आदि अंतो तो प्रतिष्ठताम, बोले ऐसे करके तब बोले वहाँ पर वो आदमी बैठी वहाँ पर जाके फूल धराई वहाँ पर जाके अग्नि कराव्य अग्नि के हम बोला हो जाए, अग्नि कई रकम के हो, देव अग्नि हो, यज्ञ अग्नि हो, कराव्य अग्नि, कराव्य अग्नि मरनी में आवे हैं, तो कराव्य अग्नि हम बुला करके वो अग्नि से चिता के लगा करके हम लोग वहाँ पर दक्षिणा दाह संस्कार कर सकते हैं। कोई पुस्तक बताए इसकी सात परिक्रमा करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर और ब्रह्म पुराण में गरुड़ पुराण में भी बताए इसे कि पांच परिक्रमा करके तो बोले अग्नि में और जा करके अगिया लगावे चाहिए। उस समय पर जोन समय पर आप सूतका में रहो
ना जो समय पर आप सूतका में रहो, चटकार खाना मना है, दशगात्र के बीच में कहीं पर आई के अमावस हुई गए, अमावस के दिन आए गए, तो बोले वहाँ पर आप जब शास्त्र के मुताबिक बताए से लेकिन उन्होंने न करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप अपना सब काम को बोले विराम कर सको, जब अमावस आएगा तब, और जब ना आए तो अपन काम जैसे वैसे, लेकिन उन्होंने ऊपर ना ताकी रहते जैसे उनके नियम बताए से, उसने उन्होंने पकड़े रही ला 10 रुपये 12 रुपये क्रिया हो जाते। प्रेत श्राद्ध में निषिद्ध कर्म बोले वहाँ पर ढेर काम है जिन बोले हम लोग को ना करना चाहिए, मंत्र पढ़ करके तो अपने से मंत्र पढ़ करके फूल ना धर पाइयो, अपने से मंत्र पढ़ करके कुछ ना कर पाइयो, यहाँ पर बोले तुम्हार भाग ना है, ओम के उच्चारण भी वर्जित है उसमें, लेकिन आप जिंदगी भर ओम बोलते आइयो तो उसे बोले बिना ओम वाला मंत्र बोले तो ना ठीक है। तो वहाँ पर प्रणव मंत्र बताए सहेगा हरि ओम तत्सत, इतना बोल करके तब बोले वो मंत्र को बोले आगे चलिए, इतना बात बताए से। और यहाँ पर जाकर के एक स्मृति पुराण में इबाद की भी बोली सेगा कि जो बचे हुए भोजन रहे दसगात्र वाला भोजन जो बचल है घर में बनल रहे ओके वहाँ पर से बाहर न जाए दसगात्र वाला, तो बोले ठीक है। और 12 रोज वाला क्रिया के भोजन जो है वह में बताए से कि जब तक जोन भोजन में से जाए कि वहाँ पर क्रिया में भाग ले, जोन भोजन से दुनिया निकले वो भोजन ना जाए बाहर तो ठीक है, इतना बात भी बताए। प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आगे में इतना बात हम आप सबसे बताई ली, एक बात और है बताने के लिए कि कभी काल के लोग बोल दे कि चलो ये श्राद्ध जो है बरिश के श्राद्ध जो है और 1 रोज में हम विराम कर दें, 1 रोज में सब काम करवा दें, 10 रोज के काम, 12 रोज के काम, 6 महीना काम, बरिश भर के काम, एको पुस्तक में हम ना पढ़ लिखूँ साथ नैरखन संस्कृत कि वो काम एक दिन में तो विराम कर सको। ये विराम करने के लिए बोले 6 महीना के पिंडदान करना चाहिए, बरिश में जा करके सबिंदी करके तब तो वहाँ पर जाकर के क्रिया को विराम करना चाहिए। एक चीज और है, लोग बोल रहे हैं कि पंडित आप बताइ लो हमसे कि सैया दान करना चाहिए, सैया दान बोले बिछौना उछौना जो रहे लाकर नौकर सब दान करना चाहिए, अस्तात का शरीफ लेतर लग सैया दान करना चाहिए। तो जब आप सैया दान के लिखल है दानों में जा करके सैया दान के लिखल है तो हम कैसे तुमसे बोलब कि तू पैसा धर, कैसे बोलब कि पैसा धर। आदमी लोग बोले पंडित हम वही सैया दान के बदौले हम तो पैसा ना धर सके, हाँ धर सको ठीक है, उतना पैसा धर दो कि जितना हम ओढ़ के सूझे, उतना पैसा धर जितना हम पहन ले, उतना पैसा धर लो जितना पहन के चल सके। तो जो सैया दान लिखल है जो चीज लिखल है वही चीज करो तो ठीक रहे, जितना औकात है जितना ना कर पाइए जो एक दूसरे को जो आपके है औकात बराबर बस उतना ही करो। और जो दान दक्षिणा उस श्राद्ध अपने ना खड़ी ये पितृ श्राद्ध में लेकिन अपने घर पूजा पाठ में जो दान दक्षिणा आप कर लो ओके, हम कभी जाएंगे दूसरे से ना बोलिए मन हम वहाँ पर इतना दान दक्षिणा दे ली, हम वहाँ पर इतना पैसा लगाई दी, इतना काम कर दी, वो काम करने से तुम्हारा क्रिया जो है तुम्हारा काम जो है एकदम बिगड़ जाए, एकदम दोन हो जाए, ओकर पुण्य के भाग एक बुन आपको प्राप्त ना हो, इतना दान कर ली इतना ओके घर गए हाथ लगेली, हम गई तरकारी कटवैली, हम गई भाजी बनवैली, हम गई घर फुलकू बार बनवाई कैली, घर नहाई फिर गई वहाँ ये भी कर ली दो नहीं मतलब इंसान ओमन एक बुंद हो के पुण्य के भाग में हो। और चाहे जे जोन ची बोले अपने मन ही बोले ओम स्वस्ति बस सब स्वीकार करते चला जाए वो 10 रोज उतना प्रार्थना है माँ सबसे, सैया दान करके और प्रदक्षिणा करके वहाँ पर कुछ पैसा धर के और दान कर देना चाहिए। उसके बाद में 6 महीना के क्रिया 8 पिंड, फिर 6 महीना के क्रिया तब बरिश वाला पिंड आएगा तो वहाँ 8 पिंड दे करके तब वहाँ पर जाकर के आपकी क्रिया पूर्ति में 51-52 पिंड जो देवा है तो वहाँ पर जाकर के पूर्ति हो जाए, विश्व देवता के लिए जाकर के वहाँ पिंड दे करके 52 पिंड हो के और बरिश में जाकर के तब श्राद्ध क्रिया पूर्ति हो। लेकिन अब हेल्थ और ससुरों का हम बहुत चीज बताइली लेकिन ये सब जब करे लगी हो तो देखियो कितना अच्छा से चला जा, कितना छोटा में चला जा ना। और कुश पे जाकर के वो तिलांजलि देना चाहिए, कुश पे जाकर के पकड़ करके वो तिलांजलि देना चाहिए, कुश लगा करके वो क्रिया में भाग लेना चाहिए और कुश पे जाकर के बैठना चाहिए, कुश पे जाकर के हवन करना चाहिए और कुश पे जाकर के बैठ करके पूजा करना चाहिए। ये कुश वाला बात जो है मृतक कार्य में इस फर प्लेख ना दुनिया में निकाल करके भोजन देना चाहिए वो पितरी के
ना प्लेटी में, ना गौग्रास हुए तो वो प्लेटी हम ना निकाल करके दे, पत्ता धर दो या कुछ धर दो ऊपर, निकाल करके बाहर धर दो। नित एन अम्पोर्थ अत्स्तात नित का शरीफ अत्य शोक निकुत ना आद्य, बोले वहाँ पर अपने घरे नाम लेकर के और नाम से जाए कि वो दमिया के उन्हें याद कर सकल जाए। वो क्यों ना हेम अलीम फॉर हेम दून मैथमेटिशन नाम, जो दमिया मर गए अब हम जो हम जिसे समझ जाओ हम गुजर गए, आप हमें हमें याद करियो, हमें बोलिए राम 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 राम, तो हमारा चेहरा तो उन्हें मुंह में ना आएगा जब लेकिन ना बोलियो पंडित शिव, जब शिव बोले चट हमारा चेहरा आ जाए। ऐसे वो दमिया जो गुजर गई वो नाम से जाए कि उन्होंने श्राद्ध कर सकल जाए, ओकर नाम लेते लेते हो चाहे जितना रहो भैया ओकर नमुआ ले ले रहो, फिर ओकर काम करो तो ओकर काम में पूर्णी पूर्ति होते। और जो वहाँ पर जा करके हवन होए जो कुशवा बीछे कुछ कांडिका के चार को कुछ मान के लोन तो धर लिए हवन के, तो जिक्रे नाम से दिए वही पाएगा, पिंड दान दिए ओकरे नाम से वही पाएगा। अध्य अमुक गोत्र शम का नाम यजमान शम न शिव नाम न यजमानुष्य अमुक नाम न पितृष्य, श्राद्ध क्रिया अंतर्गति दसगात क्रिया हेतुअर्थ है प्रथम पिंड सौ हस्ती नामक पिंड में आदि अंतो तो प्रतिष्ठताम धर करके ओकरे नाम से दे ले वही पाए। और न खड़ी से लबर लबर धर चला जाओ बोलिए वो दमिया पाएंगे नहीं, ओकर नाम से देवा फिर ओकरे बाद ओकर हवन भी न राम नारायण नाम न पितृष्य श्राद्ध क्रिया अंतर्गत सुधा स्वाहा उष्मा पित्राये सुधा स्वाहा सोमपा पित्राये सुधा स्वाहा। और वहाँ पर सुधा स्वाहा बोलो जा न हो खरी स्वाहा बोले सुधा स्वाहा बोल करके जा करके वहाँ पर ही काम को विराम करना चाहिए। ऐसे करने से इतना करने से कुछ दक्षिणा दे देना चाहिए अंतिम में विदाई में पंडित के, वहाँ पर कुछ वस्त्र दान कर देना चाहिए, कतुनिया रहे वस्त्र वही बोले तंदूल रहे उतना दान कर दो, तुम्हार क्रिया ऐसे भली भांति पूर्ति हो जाता है। लैस लम्मा है उमन लिखल खास फोन अरे का बोले खास लम्पू देवे के चाहेगा, एगो जो उनके बोले लंटेड़ी लंटेड़ी धरे के चाहिए, एगो जाए के चप्पल धरे के चाहिए, उसले वो छतरी छाता धरे के चाहिए, एगो जाए के सैया तकिया धरे के चाहिए, एगो चटाई धरे के चाहिए, एगो छाता धरे के चाहिए, और वहाँ पर बताए स्लीपर ऐसे वगैरह वगैरह लैस जो है जो कि बनावे लगे तो एगो 100-150 के चीज है वहाँ पर धरे के चाहिए। लेकिन जो औकात बराबर है जो फरप्लिखिंग हैगा एगो चटाई के एगो तकिया के एगो लाकन के एगो कपड़ा के और एगो छाता के और एक आध रुपया पैसा के, बोले बस उतना ही ठीक 5-7 चीज रहे बस ठीक। फुरुख्ते जो हुआ जाए अमरुद और अरुई फरप्लिख अमरुद और अरुई फरप्लिख थे दरस माह के आंध्र फुरुख्त वो बैब का जामुन ना रहे और ऐसा एकदम कैसे बोले खट्टा फल भी ना रहे, बस उतना 5 फल बनाए कि वहाँ पर धर सको। इतना हम आप सबके बताएंगे, कभी और मौका लगेगा, मेरा अभ्यास है मेरा प्रयास है आने वाले इस बरिस में और आप लोगों के सामने आवे के लिए आप लोग से बीच में आवे के खातिर और वहाँ आए तो फिर बातचीत होगा। ये जो आप लोग सुन लो है हम सब निकाल करके और प्रथम संग्रह से प्रमाण संग्रह से और अंत अंत यहाँ देख लो अंतधाम क्रिया जो है ना श्राद्ध क्रिया श्राद्ध पद्धति जो है इसमें से निकाल करके मैं आप सबको बताएंगे और एवं से निकाले हुए जितना बताएंगे यहू में है पंडित हरिहर प्रसाद के पुस्तक में से और यहू से कुछ बात हम आप सबके बताएंगे। तो ये सब किए कैसे बोले है यह अपन वह वैस एमन दिखावल कहाँ पर कौन पुराण में चीज लिखल जिसनी दत्त एक सेल्फ एप का प्रयोग कर सेल्फ एप बदाख एक फोन कर ली सब अति आप सबको धन्यवाद। तथास्तु हरिओम तत्सत ओम शांति शांति।